कट्ठे बैठे रहे दिन में भी रात ने भी बैठक में 10-11 बजे नारे पाटे। एक थोड़ा मोड़ा पढ़ रहा, एक अनपढ़। जो अनपढ़ था उसका छोरा दिल्ली नौकरी लग गया, ब्याह शादी होगी, बालका ने भी ले गया, पोता पोती ने फेटने जी करे उस बुढ़े का। वो अपने डब्बी ने कहने लग गया, क्यों शहरे के? हाँ के पोता पोती ने फेटने जी करे है। बोले फिर चले आ जा, तो कबर दाबरदा नहीं होगा, चले आ जा। फिर दिमाग में मजाक सूझ गया, क्या मजाक कर लेने भाई का। बोला खर तेरे समझ में नहीं आवेगी, पीरा गड्ढी थी तो तू जा रहा से? कि हाँ मैं पीरा गड्ढी थी तो जा रहा हूं, आगे की मत ने एक पर्ची बना के दे दू। वह पर्ची बना दी, बुढ़ा तो तड़के तैयार हो लिया, बस पकड़ के और जय भी स्टेशन जोक में बदलना था, पीरा गड्ढी जा पहुंचे। पीरा गड्ढी जाए पछे उसने एक बस का नंबर बता रहा था उसके डब्बी ने, शहरे रहे के फलाने नंबर की बस आओगी। और बूझ लिए वो छोरे खड़े थे, उन तीनों कर लग गया। बोला रे बड़को, ये इतने नंबर की बस कौट पाओगी? कहता इनकी तो 10-10 मिनट की सर्विस है और आई बगैर है। वह बस आई, वो छोरे भी खड़े, बोला ताऊ आ गई, चढ़ गया, जा बैठा। कंडक्टर आया, कहता कि जागा ताऊ ती तो पर्ची गाल रखी ना शहरे ने, वह पर्ची पकड़ा दी और 10 का नोट। कह ला भाई, वो कंडक्टर ने 10 का नोट जोड़े में गाल लिया, पर्ची पढ़ी, पर्ची पढ़ देते और डाल हो गया। कहता कि जागा नमला रही या दे रखी पर्ची, फिर पर्ची में नंगा मारी, फिर और छो उठा। बोले किता जानदा भी होगा न, बोले तू नौकरी किसने लाया पहले तेन बता के बात। बोले पर्ची दे रखी, ये पर्ची मैनू लिख रखा शहरे ने कि जमाई थाली है कित ले जा।